हाँ भाई जल्दी से आ जाओ, एक बार शेयर कर दो सब सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग किशन, महेंद्र, मनीषा शर्मा, खुशबू, सभी को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? सर यहीं है, सर आ गए हैं, चौधरी जी आ गए हैं। विकास, हाल बिल्कुल मस्त है तेरे, बता। हाँ किशन, आवाज आ रही है? चलो फिर शुरू करते हैं, आवाज आ रही है। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे इनक्यूबेशन क्या होता है, हैचिंग क्या होती है और ब्रूडिंग क्या होती है। पोल्ट्री से संबंधित अपना आज का चैप्टर रहने वाला है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब कमेंट्स करना बंद कर दो, लास्ट में अपन बातें करेंगे। हाँ सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्लास को। कॉलेज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं कॉलेज, आज यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कल कॉलेज में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राजू जी, इनक्यूबेशन, हैचिंग एंड ब्रूडिंग के बारे में। पोल्ट्री से संबंधित अपना आज का चैप्टर रहने वाला है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिनके रूमिनेंट्स या नॉन रूमिनेंट्स जिनके कोर्स चलता है, एक अपने RCA उदयपुर है, इसके अलावा बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर दोनों के अंदर एक कोर्स चलता है नॉन रूमिनेंट प्रोडक्शन का। तो उनके लिए भी आज की जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके LPM चलता है और जिनके नॉन रूमिनेंट चलता है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पोल्ट्री है वो नॉन रूमिनेंट ही होती है। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे इनक्यूबेशन के बारे में, हैचिंग के बारे में और ब्रूडिंग के बारे में। इनक्यूबेशन क्या होता है, हैचिंग क्या होती है और ब्रूडिंग क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं हैचिंग के बारे में। हैचिंग है वो क्या होती है? तो दोस्तों जैसे अपन ने मुर्गी का अंडा ले लिया, एग अपन ने ले लिया है, अपन ने एग लिया, फर्टाइल एग अपन ने लिया है, और उसको अपन ने ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिया, ऑप्टिमम कंडीशन उसको दे दी, जिससे कि नया चूजा है उससे निकल सके, नए जीव का उससे निर्माण हो सके। तो उस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको तो कहा जाता है इनक्यूबेशन पीरियड, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इनक्यूबेशन या हैचिंग। जो अंडा है उससे चूजे का निकलना ही क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन या हैचिंग कहलाता है। जबकि इस प्रोसेस में जो टाइम लगा है, जितने दिन के अंदर अंडे से चूजा निकलता है, चिक्स निकलता है, उसका जो टाइम होता है उसको कहते हैं अपन इनक्यूबेशन पीरियड। तो इन द केयर एंड सॉरी, सबसे पहले अपन हैचिंग की बात कर रहे थे, तो हैचिंग हो गया अंडे से चूजे का निकलना। द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्टाइल एग्स टिल दैट डे द चिक्स कम आउट ऑफ द एग्स इज नोन एज हैचिंग और इनक्यूबेशन। यानी अपन ने को फर्टाइल एग अपन ने लिए हैं और उनसे जो चिक्स निकलेंगे तब तक अपने को उनकी केयर करनी है, देखरेख करनी है, मैनेजमेंट करना है। तो उनके बीच की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और अंडे से जैसे ही चिक्स निकला उसको अपन ने कह दिया हैचिंग या इनक्यूबेशन।
अंडे से चूजे का निकलना इंक्यूबेशन या हैचिंग कहलाता है, जबकि इस प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। मुर्गी के केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 21 दिन का होता है, यानी 21 दिन लगते हैं अंडे से चूजा निकलने में। एक फर्टाइल एग लेंगे, उससे जो चिक्स निकलेगा उसमें 21 दिन लगते हैं। जैसे अपन ने काऊ वपेलो के अंदर पढ़ा था उसमें गेस्टेशन पीरियड होता था, वैसे ही इसमें अपने इंक्यूबेशन पीरियड होता है। द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द हैचिंग प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग पीरियड या इंक्यूबेशन पीरियड। ये अपन ने पहले बात कर ली कि जितना टाइम अपने को जो अंडा अपन ने लिया है उससे हैचिंग होने में टाइम लगेगा या अंडे से चूजा निकलने में जो टाइम लगेगा उसको अपन ने क्या कह दिया, इंक्यूबेशन पीरियड या हैचिंग पीरियड अपन ने उसको कह दिया, जो कि मुर्गी के अंदर 21 दिन का होता है। तो ये बात हो गई हैचिंग की। अब हैचिंग है ये भी दो प्रकार से होता है, एक तो अपन नेचुरली हैचिंग करवा सकते हैं, दूसरा अपन आर्टिफिशियल रूप से भी हैचिंग करवा सकते हैं। दो प्रकार से अपन हैचिंग करवाते हैं। अगर अपन देखें, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्यूबेशन, यानी जो इंक्यूबेशन होता है हैचिंग होती है उसके दो मेथड से दो टाइप है। पहला है नेचुरल इंक्यूबेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन। अगर अपन नेचुरल इंक्यूबेशन करवाते हैं, नेचुरल हैचिंग अपन करवाते हैं, तो उसके लिए अपने को ब्रूडी हैन की आवश्यकता होती है। ऐसी हैन जो अपने आप अंडे पे बैठती है और उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम जो भी कंडीशन उसको चाहिए होती है, जैसे ये जो हैन है वो अंडे पे बैठ गई, तो यही क्या करेगी, इंक्यूबेशन का काम करेगी, यही ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवाएगी, तो उसको तो अपन कहते हैं नेचुरल इंक्यूबेशन। लेकिन जो नेचुरल इंक्यूबेशन होता है इसके अंदर अपन एक बार में एक जो मुर्गी होती है अपनी वो मैक्सिमम 12 से 15 एग है वो इंक्यूबेट कर सकती है एक बार के अंदर। जबकि अगर अपने को लार्ज पॉपुलेशन के अंदर इंक्यूबेशन करना है, बट जैसे अपन कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, कॉमर्शियल रूप से कर रहे हैं, बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि अपने को बहुत सारी मुर्गियां ब्रूडी हैन चाहिए होगी। तो अगर अपने को लार्ज संख्या में इंक्यूबेशन करवाना है तो उसके लिए अपन एक मशीन काम में लेते हैं और उसको कहा जाता है इंक्यूबेटर। अगर अपन मशीन की सहायता से अंडे सहते हैं या अंडे से चूजा निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अपन जो मशीन होती है उसको इंक्यूबेटर कहते हैं। दूसरा मेथड हो गया आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, अपन आर्टिफिशियली कर रहे हैं, नेचुरली उसमें इंक्यूबेशन नहीं कर रहे हैं। नेचुरल में ब्रूडी हैन काम में लेंगे, एक जो ब्रूडी हैन है वो 12 से 15 एग्स है वो एक बार में इंक्यूबेट कर सकती है। नेचुरल इंक्यूबेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग चिक्स बाई कीपिंग फर्टाइल एग्स अंडर द हैन। इसमें क्या होता है, जो फर्टाइल एग है उसको अपन मुर्गी के द्वारा इंक्यूबेट करवाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम ए हैन सेट्स ऑन हर एग्स, इस टाइम के अंदर जो मुर्गी होगी वो अब उन अंडों पे बैठी रहेगी। एंड मेंटेन ए टेम्परेचर ऑफ अराउंड 100 डिग्री फॉरेनहाइट, और जो अंडे हैं उनका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फॉरेनहाइट मेंटेन करके रखेगी। एग्जैक्ट अगर टेम्परेचर की अपन बात करें तो 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर है वो चाहिए होता है इंक्यूबेशन के लिए। पहले जो 18 दिन होते हैं तब टेम्परेचर इतना रखते हैं अपन। अभी अपन आगे बात करेंगे जो इंक्यूबेटर है उसमें अपन आर्टिफिशियली रूप से टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, मॉइस्चर अपन मेंटेन करके रखते हैं। तो ये बात हो गई नेचुरल इंक्यूबेशन की, यानी जो मुर्गी है वही अंडे पे बैठी रहेगी और जो अंडे का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री या 99.5 डिग्री वो मेंटेन रखेगी। दिस टेम्परेचर इज नीड्स टू इंश्योर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इस टेम्परेचर पे ही जो मुर्गी का जो अंडा है उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो इस टेम्परेचर पर अपन आसानी से हैचिंग करवा सकते हैं, बेस्ट टेम्परेचर होता है हैचिंग के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की, कृत्रिम इंक्यूबेशन की। इन दिस प्रोसेस द इंक्यूबेटर इज डन आर्टिफिशियली बाई यूजिंग ए मशीन इज कॉल्ड इंक्यूबेटर। इसमें अपन जो इंक्यूबेशन करते हैं वो मशीन की सहायता से करते हैं, तो जो मशीन है उसी को अपन क्या कहते हैं, इंक्यूबेटर कहते हैं। तो आपके जो डेफिनेशन आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, उनके अंदर भी पूछा जा सकता है इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है। विच वार्म्स टर्न्स एंड ह्यूमिडिफाइज बर्ड एग्स टू इंक्यूबेट एंड इवेंचुअली हैच देम। इसमें क्या क्या मेंटेन करते हैं अपन, एक तो उसको टेम्परेचर अपन प्रोवाइड करवाते हैं वार्म्स अपन, और उनको टर्न करते रहते हैं, उनको एक दूसरे को अपन टर्न करते रहते हैं 45 डिग्री के एंगल पे अपन उसको टर्न करते रहते हैं अंडों को। इसके अलावा उसमें अपन ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रखते हैं, जैसे
पहले 55 से 60 या 55 से 65% अपन मॉइस्चर रखते हैं पहले 18 दिन, उसके बाद में लास्ट के जो 3 दिन होते हैं उस टाइम अपन मॉइस्चर है वो बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनक्यूबेटर की, एन एपरेटस फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कंडीशंस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। इसके अलावा अपन उसमें जैसे ऑक्सीजन है वेंटिलेशन अपन रखते हैं, ऑक्सीजन है CO2 है, इनकी भी अपन मेंटेन करके रखते हैं कंसंट्रेशन को। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉर हैचिंग एग्स, एक ऐसा एपरेटस है इनक्यूबेटर जो क्या करता है ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करके रखता है जो अपना एग है उसको हैचिंग करवाने के लिए, तो उसी को अपन इनक्यूबेटर कहते हैं। टेम्परेचर अपन उसमें मेंटेन रखते हैं, ह्यूमिडिटी अपन मेंटेन रखते हैं, वेंटिलेशन अपन उसमें मेंटेन करके रखते हैं और अंडों की टर्निंग करवाते रहते हैं, तो ये सारे इनक्यूबेटर के अंदर अपन करते हैं। अभी अपन देखते हैं, जैसे ये इनक्यूबेटर यहाँ पे दिया हुआ है, स्टील एयर इनक्यूबेटर दिया हुआ है, ये सिंपल इनक्यूबेटर होता है, इसके अंदर अपन एग्स को रख देते हैं और आर्टिफिशियली रूप से अपन इसमें टेम्परेचर वगैरह मॉइस्चर वगैरह मेंटेन करके रखते हैं। तो ये बात हो गया इनक्यूबेटर का। नेक्स्ट बात करते हैं जो इनक्यूबेटर है उसके पार्ट्स कौन 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 से होते हैं, उसके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, पार्ट्स या इसके भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग होता है इसका सेटर, एक तो दो भाग होते हैं इनक्यूबेटर के, एक तो सेटर होता है एक होता है हेचर, सेटर और हेचर। अब सेटर में अपन क्या करते हैं अंडों को रखते हैं, अंडों को सेट करते हैं, इसके अंदर जो अपन अंडे रखते हैं तो जो अंडे का लार्ज एंड अप होता है यानी जो बड़े वाला भाग होता है उसको अपन ऊपर की तरफ रखते हैं, क्योंकि जो अंडा होता है जिसमें स्मॉल साइज वाला जो भाग होता है स्मॉल होता है उसकी तरफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उससे उससे आसानी से ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए अपन अंडे को हमेशा जो अपन इनक्यूबेटर में रखते हैं सेटर में रखते हैं तो उसका जो बड़े वाला भाग है उसको ऊपर की तरफ करके रखते हैं। दिस इज द पार्ट वेयर एग्स आर सेट फॉर फर्स्ट 18 डेज, यानी सेटर क्या है इनक्यूबेटर का ऐसा पार्ट है जिसमें अपन पहले 18 दिन के लिए अंडों को रखते हैं सेट करके रखते हैं। इट हैज मल्टीपल ट्रेज फॉर सेटिंग ऑफ एग्स, इसमें मल्टीपल ट्रेज पाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इधर अलग अलग ट्रेज यहाँ पे रखी हुई है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है ये, अलग अलग ट्रे होती है जिसके अंदर अपन अंडे को रखते हैं और अंडे का जो बड़े वाला भाग है उसको ऊपर की तरफ करके अपन रखते हैं। एग्स आर सेट विथ ब्रॉडर शेप अप, यानी इसमें यही कहा गया है कि अंडे का जो ब्रॉडर भाग होता है बड़े वाला भाग होता है उसको अपन ऊपर की तरफ करके रखते हैं और जो टेम्परेचर अपन रखते हैं वो रखते हैं 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट, 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर अपन उसका रखते हैं हेचर का। तो ये तो बात हो गई हेचर की, दूसरा पार्ट अपन ने कहा एक सॉरी सेटर की, दूसरा पार्ट होता है इसका हेचर। हेचर का काम होता है लास्ट के 3 दिन, जो अंतिम 3 दिन होते हैं, पहले 18 दिन तो अपन ने किस में रखा अंडे को सेटर के अंदर रखा, लास्ट के 3 दिन अपन रखते हैं उसको हेचर के अंदर और हो गए वो 21 दिन, और 21 दिन में अपने अंडे से चूजा निकल जाता है। सेकेंड पार्ट है हेचर, एग्स आर रिमेन इन हेचर फॉर लास्ट 3 डेज, यानी लास्ट के 3 दिन अपने को कहाँ रखना है अंडे को हेचर के अंदर रखना है। अपन ने देखा इनक्यूबेटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेटर जिसमें अपन पहले 18 दिन के लिए अंडों को स्टोर करके रखते हैं, दूसरा है हेचर जिसमें जो अंडे हैं उसको लास्ट के 3 दिन के लिए अपन रखते हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो अपन कम कर देते हैं 99.99 डिग्री फॉरेनहाइट, या अपन ये कह सकते हैं 98.5 डिग्री फॉरेनहाइट, इस टेम्परेचर पर अपन लास्ट के 3 दिन अंडों को रखते हैं। टेम्परेचर अपन लास्ट के 3 दिन है वो कम कर देते हैं, पहले अपन ने देखा था टेम्परेचर कितना था 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट और लास्ट के 3 दिन अपन टेम्परेचर है वो कम कर देते हैं 98.5 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी 1 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर है वो अपन कम कर देते हैं अंतिम 3 दिन में, लास्ट के 3 दिन में, और जो मॉइस्चर है नमी है वो अपन बढ़ा देते हैं। पहले अपन ने कहा था मॉइस्चर अपन 55 से 60 या 65% रखते हैं और लास्ट के जो 3 दिन होते हैं उस टाइम अपन मॉइस्चर 65 से 75% कर देते हैं, नमी को अपन बढ़ा देते हैं। अब नमी अपन क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जो चिक्स है वो अंडे से निकलने वाले होते हैं, चूजे अंडे से निकलने वाले होते हैं, तो उनमें डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, इसलिए अपन लास्ट के 3 दिन है वो नमी को इनक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनक्यूबेशन या
जो इनक्यूबेशन है उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, मेन रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या क्या है। तो इसके लिए इनक्यूबेशन के लिए पांच रिक्वायरमेंट होती है, पांच इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। एक है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी, तीसरा है वेंटिलेशन, चौथा है पोजिशन ऑफ एग्स और पाँचवा है टर्निंग ऑफ एग्स। अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो पहले जो 3 दिन होते हैं, सॉरी पहले जो 18 दिन होते हैं उस टाइम अपन ने टेम्परेचर बता दिया। पहले 18 दिन 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर अपन रखते हैं, और लास्ट के 3 दिन जो अपन टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं 98.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ये आप जो भी एग्जाम्स देने वाले हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप देने वाले हो, तो उनके अंदर भी आपसे पूछा जाएगा। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम देते हो, AA का एग्जाम देते हो, AO का एग्जाम देते हो, PPG का एग्जाम देते हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट सेकेंड पार्ट है अपना ह्यूमिडिटी। तो अपन ने कहा कि जो नमी है वो अपन पहले 18 दिन कम रखते हैं, 55 से 65 या 60% तक रखते हैं, और जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उस टाइम अपन मॉइस्चर को बढ़ा देते हैं, 65 से 75% कर देते हैं। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, जिसमें अपन ऑक्सीजन एंड जो CO2 है उसका लेवल मेंटेन करके रखते हैं, और ऑक्सीजन है वो अपन 21% रखते हैं, 21% ऑक्सीजन है वो उसका लेवल मेंटेन करके रखते हैं इनक्यूबेटर के अंदर। नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ एग्स, यानी जो अंडा है वो किस शेप में अपन रखते हैं। अपन ने अभी पहले देखा अंडे का जो लार्ज एंड अप होता है उसको अपन ऊपर करके रखते हैं, और टर्निंग ऑफ एग्स, अंडे की अपन टर्निंग करवाते रहते हैं, जो अपन ने ट्रे इनक्यूबेटर के अंदर रखी है उसको अपन टर्न करते रहते हैं, और जो टर्निंग अपन करते हैं वो करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के कोण पे अपन टर्निंग करवाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर चिकन एग इन द सेटर फॉर फर्स्ट 18 डेज रेंज फ्रॉम 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ये अपन ने पहले बात कर ली कि जो पहले 18 दिन है या सेटर है उसके अंदर टेम्परेचर रखा जाता है 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट, और लास्ट के जो 3 दिन है उस टाइम अपन अंडों को हेचर के अंदर रख देते हैं। पहले 18 दिन सेटर में रखते हैं। इनक्यूबेटर के दो पार्ट अपन ने बताए हैं, पहला सेटर होता है, दूसरा हेचर होता है। सेटर में पहले 18 दिन अंडे रखे जाते हैं, और हेचर है उसमें लास्ट के 3 दिन अपन अंडे रखते हैं, और लास्ट के 3 दिन अपन टेम्परेचर है वो कम कर देते हैं, 98.5 डिग्री फॉरेनहाइट कर देते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, नमी अपन कितनी रखेंगे। तो पहले 18 दिन है जो नमी है वो रखते हैं अपन 55 से 60%, सेटर के अंदर नमी 55 से 60% रखेंगे, और हेचर के अंदर मॉइस्चर यानी अंतिम 3 दिन हम जो अपनी जो नमी है वो अपन बढ़ा के 65 से 75% कर देते हैं, जिससे जो चिक्स है उनमें डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए अपन ये करते हैं। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनके कमेंट्स की ओर आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी लोगों को इधर ही पढ़ना है, जिनको कमेंट करना है उनको कमेंट करने दो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंटिलेशन की। दो चीजें अपन ने देख ली, पहला अपन ने टेम्परेचर देख लिया, दूसरा ह्यूमिडिटी देख लिया, और तीसरा है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के अंदर अपन O2 और CO2 है उसकी कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 की कंसंट्रेशन बैलेंस करके रखते हैं। द टॉलरेंस लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज 21%, यानी जो ऑक्सीजन है उसका जो लेवल अपने को रखना है वो रखना है 21%, 21% रखते हैं। अगर 1% ऑक्सीजन है वो ड्रॉप होती है, 1% लेवल उसका ड्रॉप होता है, तो 5% हेचिबिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसे अपन ने इनक्यूबेटर के अंदर 100 एग्स रख रखे हैं, या अपन ये कह सकते हैं लास्ट के जो 3 दिन है या हेचर है उसमें अपन ने 100 एग्स रख रखे हैं, और जो अपने ऑक्सीजन का लेवल है वो 21 अपने को रखना है, 21% रखना है। अगर वो 20% हो गया तो अपने उनमें जो पाँच पांच एग है उनके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेड हो जाएगा यानी मर जाएगा, उनसे अपन चिक्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है 5%, जैसे ही 1% ड्रॉप हुआ 5% कम हो गई, 2% ड्रॉप हुआ 10% हैचिबिलिटी है वो कम हो गई। तो ये बैलेंस अपन रखते हैं। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो इनक्यूबेटर होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना रखा जाता है, तो ऑक्सीजन का लेवल 21% रखते हैं, 1% कम होते ही 5% हैचिबिलिटी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है।
टॉलरेंस लेवल ऑफ सी ओ टू फॉर फर्स्ट 4 डेज इन द सेटर इज 0.3%। यानी जो सेटर होता है उसके अंदर सी ओ टू है उसका लेवल मेंटेन किया जाता है 0.3%। सी ओ टू लेवल अबाउट 0.5% इन द सेटर रिड्यूस द हैचेबिलिटी। और जैसे ही 0.5% से अधिक सी ओ टू होगी उसका लेवल बढ़ेगा तो हैचेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और जैसे ही 5% हो जाती है सी ओ टू का लेवल, अगर 5% हो जाता है तो उसमें जो भी एम्ब्रियो है वो सारे मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी हैचेबिलिटी अपनी 0% हो जाएगी। अगर सी ओ टू का लेवल है वो 5% हो गया तो हैचेबिलिटी 0% हो जाती है, सारे एम्ब्रियो है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजिशन ऑफ एग्स की। 5 चीज़ें अपन ने देखी थी, पहला टेम्परेचर था, दूसरा ह्यूमिडिटी था, तीसरा वेंटिलेशन है और चौथा है पोजिशन ऑफ एग्स। अंडे को अपन किस तरह से जो अपना सेटर है उसके अंदर रखते हैं। आर्टिफिशियली इंक्यूबेशन एग्स या इंक्यूबेटिंग एग्स शुड बी हेल्ड विद देयर लार्ज एंड अप्स। यानी जो बड़े वाला भाग है वो ऊपर की तरफ रखते हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस एग्स आर सेट विथ लार्ज एंड अप फॉर द फर्स्ट 18 डेज। यानी पहले जो 18 दिन है उस टाइम अपने जो अंडे का बड़े वाला भाग है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, जबकि जो लास्ट के 3 दिन है तब अपन अंडे को हॉरिजेंटल रखते हैं। हॉरिजेंटल पोजिशन में अपन उसको लास्ट के 3 दिन रखते हैं। तो ये हो गई बात अंडे को रखने की। पहले 18 दिन अपने को लार्ज एंड है वो ऊपर रखना है और लास्ट के 3 दिन हॉरिजेंटल पोजिशन में अपन रखते हैं उसको। नेक्स्ट है टर्निंग ऑफ एग्स। फिफ्थ जो इसेंशियल पॉइंट है वो है टर्निंग ऑफ एग्स, यानी अंडों को अपन को टर्न करवाना है। टर्निंग ऑफ एग्स ड्यूरिंग इनक्यूबेशन प्रिवेंट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो एडरिंग टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अपन टर्निंग इसलिए करवाते हैं अंडे को क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है वो डेवलप हो जाती है। अगर अपन टर्निंग नहीं करवाएंगे तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, तो इससे बचाने के लिए, इसके अलावा जो हैचेबिलिटी है उसको अपन इंक्रीज करने के लिए, मोर्टिलिटी को कम करने के लिए जो अंडे हैं उसको टर्निंग करवाते हैं। मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर से, तो मृत्यु दर है वो कम करवाने के लिए अपन क्या करते हैं अंडों की टर्निंग करते हैं। द एग्स आर टर्न्ड ऑटोमेटिकली ईच आवर्स एंड 24 टाइम्स इन ए डे। कॉमर्शियल इंक्यूबेटर की अगर बात करें तो जो कॉमर्शियल इंक्यूबेटर है उसमें हर घंटे इंक्यूबेटर में ऑटोमेटिक जो अंडे हैं उनकी टर्निंग होती रहती है। तो दिन में कितने हो गए, 24 घंटे में 24 टाइम अपन अंडे की टर्निंग करवाते हैं कॉमर्शियल फार्म में, यानी बड़े फार्म के अंदर। जबकि जो छोटा फार्म होता है उसमें मिनिमम अपन 8 बार दिन के अंदर या 24 घंटे में 8 बार अपन अंडों की टर्निंग करवाते हैं। मोस्ट एग्स आर टर्न टू ए पोजिशन ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल देन रिवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू 45 फ्रॉम वर्टिकल। यानी ये मान लो अपने ट्रे अपन ने रख रखी है जिसके अंदर अपन ने अंडे हैं वो रख रखे हैं। इनक्यूबेटर है जिसमें सेटर है, सेटर में अपन ने अंडे रख रखे हैं। जो सेटर है उसको पहले तो अपन इस साइड 45 डिग्री के एंगल पे लाएंगे और फिर वो इस साइड है वो टर्न करेगा 45 डिग्री के एंगल पे। बोथ साइड में वो क्या करता है, टर्न करता है, दोनों साइड में वो टर्न करेगा 45 डिग्री के एंगल पे टर्न करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो अंडों की अपन टर्निंग करवाते हैं वो कौन से एंगल पे करवाते हैं, कितने डिग्री पे करवाते हैं। 45 डिग्री पे अपन उनकी टर्निंग करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ इनक्यूबेटेड एग्स। अब अपन ने इनक्यूबेशन करवा लिया, यानी अपन ने जो अंडे है वो फर्टाइल एग्स है वो इनक्यूबेटर के अंदर रख दिए हैं। तो जो फर्टाइल एग्स अपन ने इनक्यूबेटर में रखे हैं तो अपने को पता भी करना है कि उनमें डेवलपमेंट हुआ है या नहीं है, उनमें एम्ब्रियो बना है या नहीं बना। तो उसके लिए अपन करते हैं कैंडलिंग। आपने नाम सुना होगा कैंडलिंग। कैंडलिंग करते हैं अंडे की इंटीरियर जो क्वालिटी होती है उसको पता करने के लिए, जो आंतरिक क्वालिटी है उसकी, या उसमें भ्रूण बना है या नहीं बना, एम्ब्रियो बना है या नहीं बना, या कैसा है अभी उसकी स्थिति है वो कैसी है, उसके लिए अपन करते हैं कैंडलिंग। और कैंडलिंग अपन करते हैं अंडे को वह आँख व लाइट के सोर्स के बीच में रखकर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से लाइट है वो गुजारी जा रही है, तो लाइट से अपन देख सकते हैं अंडे के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहली जो अपन कैंडलिंग करते हैं वो करते हैं 5 to 7 डेज पे।
पहली कैंडलिंग करते हैं 5 से 7 दिन की एज पे, यानी अपन ने अंडे है वो सेटर में रख दिए हैं, इनक्यूबेटर में रख दिए हैं, उसके 5 से 7 दिन बाद में अपन उसकी कैंडलिंग करते हैं। फर्स्ट कैंडलिंग 5 से 7 दिन पे करते हैं, देखते हैं उसमें एम्ब्रियो बना है या नहीं बना है। और जो दूसरी कैंडलिंग अपन करते हैं वो करते हैं 15 से 18 दिन पे। एग्जाम्स में आपके कैंडलिंग की डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है, कैंडलिंग क्या होता है। तो कैंडलिंग होता है अंडे को आंख व लाइट सोर्स के बीच में रखकर उसकी आंतरिक गुणवत्ता की जांच करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, कैंडलिंग कहते हैं। यानी अंडे की इंटीरियर क्वालिटी को चेक करना ही कैंडलिंग कहलाता है। द एग्स आर कैंडल्ड फ्रॉम द 5 to 7 days ऑफ इनक्यूबेशन, यानी अपन ने अंडा है वो इनक्यूबेटर में रखा है, तो उसके 5 से 7वें दिन अपन क्या करते हैं, उसमें फर्स्ट कैंडलिंग करते हैं। टू रिमूव इनफर्टाइल एग्स, यानी जो अनफर्टाइल एग्स है जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ है, उन अंडों को रिमूव करने के लिए अपन फर्स्ट कैंडलिंग करते हैं। एंड ऑन 18th day टू रिमूव डेड जर्म्स, और ऐसे अंडे जिनमें जो अपने एम्ब्रियो तो बना था लेकिन वो मर गया है, डेड जर्म्स है उनमें, तो उनको निकालने के लिए अपन 18 दिन पे या 15 से 18 दिन पे अपन सेकेंड कैंडलिंग करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पासेज ऑफ लाइट थ्रू द एग्स, द एग्स आर क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, दिखता है अगर अपने को अंडा बिल्कुल खाली दिखता है तो वो इनफर्टाइल है, अगर ट्रांसप्लेंट दिखता है तो उसमें डेड जर्म्स है, और ओपेक्यू एम्ब्रियो दिखता है तो उसमें मतलब एम्ब्रियो है वो जीवित है, अपना अच्छी कंडीशन में है। तो ये अपन लाइट गुजार के उसकी जो इंटीरियर क्वालिटी है उसको चेक कर लेते हैं। पहली कैंडलिंग अपन 5 से 7 दिन की एज पे करते हैं, सेकेंड कैंडलिंग अपन 15 से 18 दिन की एज पे करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रूडिंग की। अब ब्रूडिंग अपन ने क्या होगा, अपन ने अंडा पहले या तो अपन ने आर्टिफिशियली हैचिंग करवाई या अपन ने नेचुरली रूप से हैचिंग करवाई। तो अंडे से जैसे ही चिक्स निकला तो अब उसको अपने को पालना है, यानी रेयरिंग ऑफ बेबी चिक्स ही क्या होता है, या छोटी एज के जो चिक्स होते हैं 0 से 4 वीक के जो चिक्स होते हैं उनको पालना ही क्या कहलाता है, 0 से 4 वीक, 0 to 4 week चिक्स, 0 से 4 वीक के जो चूजे होते हैं उनको पालना ही क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है, या अपन ये भी कह सकते हैं रियरिंग ऑफ बेबी चिक्स, रियरिंग ऑफ बेबी चिक्स, रियरिंग ऑफ बेबी चिक्स, जो छोटे चिक्स होते हैं 0 से 4 सप्ताह के उनको पालना ही ब्रूडिंग कहलाता है। तो ब्रूडिंग इज द केयर ऑफ यंग चिक्स बाय प्रोविजन ऑफ ऑप्टिमम इन्वायरमेंट, यानी जो छोटे चिक्स होते हैं यंग चिक्स होते हैं उनको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के उनको पालना ही क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। एक होता है ब्रूडर हाउस, ब्रूडर हाउस अपन ने देखा ब्रूडिंग, ब्रूडिंग तो हो गया जो छोटे चिक्स है उनको पालना, दूसरा है ब्रूडर हाउस, और एक होता है ब्रूडर, एक ब्रूडर होता है, एक ब्रूडर हाउस होता है, और एक ब्रूडिंग होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रूडर की। तो जो ब्रूडर है वो उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, यानी जो छोटे चिक्स होते हैं जैसे ही अपन उनको हैचिंग करवा के बाहर निकालते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कितना होता है, 98.5 डिग्री फॉरेनहाइट पे थे वो, तो उस टेम्परेचर पर अपन उसको रखने के लिए क्या करते हैं, ब्रूडर यूज में लेते हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चर जो टेम्परेचर मेंटेन रखती है उसी को अपन क्या कहते हैं, ब्रूडर कहते हैं। सेकेंड है ब्रूडर हाउस। अब जिस घर के अंदर अपन ब्रूडर को रख देंगे, ब्रूडर अपन ने उठाया और जिस हाउस के अंदर अपन ने उसको रख दिया उसी को अपन ने क्या कह दिया, ब्रूडर हाउस कह दिया। यानी जो छोटे चिक्स है उनको रखते हैं उसी को अपन ब्रूडर हाउस कहते हैं। और ब्रूडिंग क्या हो गया, अब जो चिक्स अपने आए हैं उनको अपन ने कहाँ रख दिया, ब्रूडर हाउस में, टेम्परेचर अपन मेंटेन करके रख रहे हैं, तो रियरिंग ऑफ बेबी चिक्स या छोटे चिक्स को रखना ही पालना ही क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ब्रूडर है वो एक स्ट्रक्चर होती है, मेटेलिक भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, जो टेम्परेचर मेंटेन रखती है, और ब्रूडर हाउस है जिसमें अपन ब्रूडर रखते हैं और चिक्स को रखते हैं। और ब्रूडिंग हो गया छोटी एज के 0 से 4 वीक्स के चिक्स है उनको पालना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्पज ऑफ ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का पर्पज क्या है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज, यानी जो छोटे चिक्स है उनकी बॉडी टिश्यू है वो उनके प्रॉपर ग्रोथ हो,
बेटर इम्यून सिस्टम, उनमें डिजीज कम आए, बीमारियां कम आए, उनका इम्यून सिस्टम हो वो अच्छा हो। वेल एक्टिवेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी जो चिक्स है उनको एक साथ रखा जा रहा है, ऊपर से आर्टिफिशियली उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने का काम करता है उसी को अपन कहते हैं ब्रूडर। चलिए आगे देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ ब्रूडिंग। जो ब्रूडिंग है ये भी दो प्रकार से अपन कर सकते हैं, एक तो नेचुरली भी कर सकते हैं, दूसरा आर्टिफिशियली अपन कर सकते हैं। जैसे नेचुरल में अपन ने देखा था, अपन ने जैसे हैचिंग करवाई थी, एक तो नेचुरल रूप से अपन हैचिंग करवा रहे थे, एक आर्टिफिशियली रूप से अपन हैचिंग करवा रहे थे। नेचुरल के लिए अपन ने ब्रूडी हैन है वो काम में ली थी, तो इसमें भी अपन क्या काम में लेंगे, ब्रूडी हैन है वो काम में लेंगे। यानी जो ब्रूडी हैन होगी, जैसे ही अंडे से चिक्स निकला वो उसके ऊपर अपने आप बैठेगी और उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखेगी। तो ये तो हो गया नेचुरल ब्रूडिंग। अगर मुर्गी खुद है वो अपने अंडों को या चिक्स को मेंटेन करके रखती है, टेम्परेचर उनका मेंटेन रखती है, तो उसको कहते हैं नेचुरल ब्रूडिंग। दूसरा है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, इसमें आर्टिफिशियल रूप से अपन टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखते हैं। इन आर्टिफिशियल ब्रूडिंग लार्ज नंबर ऑफ बेबी चिक्स आर रेयर्ड इन द एब्सेंस ऑफ ब्रूडी हैन। यानी अपने पास में ब्रूडी हैन नहीं है, बड़ी संख्या में अगर अपने को चिक्स को पालना है तो उसके लिए अपन आर्टिफिशियल ब्रूडिंग करते हैं। इक्विपमेंट यूज फॉर ब्रूडिंग आर कॉल्ड एज ब्रूडर्स। जैसे अपन ने पहले भी कहा कि ब्रूडर किसे कहते हैं, ब्रूडर हाउस किसे कहते हैं और ब्रूडिंग किसे कहते हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट्स जो ब्रूडर या ब्रूडिंग के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हीं को अपन ब्रूडर कहते हैं। ब्रूडर कंप्राइज ऑफ थ्री एलिमेंट्स, जो ब्रूडर होते हैं उनके तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है हीटिंग सोर्स, यानी जो टेम्परेचर को बढ़ाता है, दूसरा होता है रिफ्लेक्टर, और तीसरा होता है ब्रूडर गार्ड। तो अगर हीटिंग सोर्स की बात करें अपन की, हीटिंग सोर्स के लिए अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं, तो हीटिंग सोर्स में भी इलेक्ट्रिकल लाइट से चलने वाला भी हो सकता है, इसके अलावा गैसेस लाइक नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से चलने वाला भी हो सकता है, एलपीजी से चलने वाला भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे आप स्टोव का नाम सुना होगा, पहले स्टोव अपन काम में लेते थे, तो वो भी अपन इसके लिए ब्रूडिंग के लिए काम में ले सकते हैं, हीटिंग सोर्स के रूप में अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टर अपन काम में लेते हैं और ब्रूडर गार्ड जो चिक्स को दूर रखने के लिए अपन काम में लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि हीटिंग सोर्स के रूप में अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं। तो हीटिंग सोर्स के रूप में अपन चारकोल स्टोव या केरोसिन स्टोव अपन काम में ले सकते हैं। स्टोव सबने देखा होगा, इसको अपन चला देते हैं और ये गर्म होता है, गर्म होके ये टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है, ब्रूडर हाउस का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इसके अलावा गैस ब्रूडर, गैस से चलने वाला ब्रूडर है वो भी अपन काम में ले सकते हैं, जिसको अपन 3 से 5 फीट है ऊपर लटका देते हैं, जो अपना ब्रूडर हाउस है उसमें 3 से 5 फीट ऊपर इसको लटका देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा अपन इलेक्ट्रिकल ब्रूडर भी काम में ले सकते हैं। जैसे अपन ने बल्ब लगा दिया, वन इलेक्ट्रिकल ब्रूडर कैन बी यूज फॉर 300 to 400 चिक्स। जो एक इलेक्ट्रिकल ब्रूडर होता है वो 300 से 400 मुर्गियों को या चिक्स को आसानी से रख सकता है, उनका टेम्परेचर वो मेंटेन करके रख सकता है। सेकंड है इंफ्रारेड बल्ब्स या आईआर बल्ब, इंफ्रारेड बल्ब है वो भी अपन काम में ले सकते हैं। 250 वाट का जो बल्ब है वो 150 से 250 चिक्स के लिए सफिशियंट होता है। इंफ्रारेड बल्ब यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा अपन जो अपने दूसरा बल्ब आता है, बड़े वाला बल्ब आता है, वो भी अपन काम में ले सकते हैं। ये अपन ब्रूडिंग के लिए काम में लेते हैं, ब्रूडर के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर है उसको होवर्स भी कहा जाता है, और ये भी एक रिफ्लेक्टर जैसे लाइट का ही काम करता है। ऊपर अपन इसको लटका देते हैं, 3 से 5 फीट ऊपर रखते हैं जहाँ अपने चिक्स है, और ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। और लास्ट है ब्रूडर गार्ड, ब्रूडर गार्ड या चिक गार्ड। दे आर यूज टू प्रिवेंट चिक्स फ्रॉम स्ट्रेइंग टू फार अवे फ्रॉम हीट सप्लाई अंटिल दे लर्न द सोर्स ऑफ हीट। अपन ये जो ब्रूडर गार्ड होता है ये अपन इसलिए काम में लेते हैं कि जो भी अपन ने स्टोव रखा है या अपन ने रिफ्लेक्टर रखा है, जो जो भी अपन ने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर लगाई है, तो उससे दूर रखने के लिए छोटे चिक्स से उनको पता नहीं होता कि इसके पास में जाएंगे तो अपन मर भी सकते हैं, तो उनको दूर रखने के लिए अपन क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर या सॉरी ब्रूडर गार्ड है वो काम में लेते हैं। और जो ब्रूडर गार्ड है वो उनको दूर रखता है, एक अपन गार्ड टाइप में लगा देते हैं इस प्रकार का चारों ओर,
जिससे जो अपने चिक्स हैं उनके पास में नहीं जाते हैं। तो ये अपन ने देखा कि ब्रूडिंग क्या होता है, हैचिंग क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, बाकी अपन कल मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, और इस क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड या एलपीएम से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो वो पूछ सकते हो। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं किया है सबने।